हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट में ही नेक्स्ट थ्योरम। बच्चों, इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, उसमें कुछ थ्योरम मैंने बताई थी, आज उसके आगे हम लोग कुछ थ्योरम्स और देखेंगे। तो देखते हैं पहले थ्योरम आज की, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड ए यूनियन एक्स एंड इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर एनी सेट एक्स देन ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, ये भी एक बच्चों थ्योरम है, उसी के आगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट मैंने बताई है। तो देखते हैं इस थ्योरम को बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव दे रखा बच्चों, और दो सेट हैं ए और बी, कोई भी दो सेट्स हैं इस प्रकार से हैं, और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है। हम लोग को प्रूव करना है कि ए और बी क्या है, आपस में इक्वल है। तो पहले जो ये चीज दे रखी है इसका मैं यूज करूंगा, यहां पे लिखूंगा सिंस ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ओके बच्चों, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स क्या है, इक्वल गिवन है बच्चों, ये गिवन है बच्चों, ये गिवन। ओके बच्चों, ये गिवन दे हमें, हम लोग को दे रखा है बच्चों, गिवन है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दे रखा है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन दे रखा है एक्स साथ और बी का दे रखा है। तो हम लोग पहले ए लेते हैं, ए का इंटरसेक्शन लेते हैं ए यूनियन एक्स पे, और इधर भी लेते हैं बच्चों ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ। ठीक है बच्चों, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ, ए का इंटरसेक्शन इधर भी बी यूनियन एक्स के साथ। आपको मालूम होगा कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या होता है बच्चों, सिंस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या होता है बच्चों, ए ही होता है। कैसे, देखो बच्चों, ए यूनियन एक्स दोनों को मिक्स करके आएगा, ए और एक्स दोनों मिक्स होके आएंगे, और उसमें जो जब वो आएगा बच्चों तो उसमें ए के एलिमेंट पूरे पूरे होंगे, तो ए के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, पूरे बच्चों मैच कर जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पे ए के इक्वल। समझाया बच्चों कि ए यूनियन एक्स दो सेट है, वो पूरे एलिमेंट जो हैं ए के पूरे पूरे मैच कर जाएंगे, इसीलिए ए आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बच्चों प्रॉपर्टी बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ओके बच्चों, ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई यहां पर बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, फाइव दे रखा है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन क्या यहां पे आ जाएगा, फाइव, सिंस गिवन है बच्चों, गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव, और फाइव के साथ कभी भी यूनियन बच्चों करो तो हमेशा यूनियन में वही आंसर आता है जो ये लिखा होता है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि फाइव का मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो बच्चों ये क्या आ गया, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो इसका मतलब सोचिए क्या हुआ कि ए और बी में ए के सभी एलिमेंट मैच कर रहे हैं। ए ध्यान देना कुछ इस प्रकार से, मतलब वेन डायग्राम से, ये मान लीजिए बी है, बी के अंदर ए होगी, ए के पूरे पूरे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं क्योंकि मैच कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। इसका मींस जो होगा, ए जो होगा वो सबसेट होगा बच्चों किसका, बी का। समझाया था बच्चों को, क्योंकि ए इक्वल में किसके, इन दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मैच करे, तो ए मैच कर रहा है तो मतलब ए जो होगा बी के अंदर होगा, अब बी के अंदर अगर ए है तो आंसर ए, तो मतलब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। ओके बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, आप फिर से इसका यूज करिए बच्चों। तो अगेन बच्चों, अगेन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अभी बच्चों मैंने यहां पे ए लिया था, अब यहां पे मैं क्या लूंगा, बी लूंगा। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू, यहां भी बोलिए बच्चों, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। बच्चों अभी बताया था ना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, उसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा बी बन जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, बी इंटरसेक्शन ए बी, अब बच्चों यूनियन लगा, पहले यूनियन लगा दीजिए, तो बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है बच्चों, मैं बी इंटरसेक्शन ए और फिर यूनियन लगा है, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये बच्चों क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा, सिंस बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स जो होता है वो बी के ही इक्वल होता है, बी के ही एलिमेंट मैच करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए नहीं, यहां बी इंटरसेक्शन एक्स बच्चों कितना दे रखा है, फाइव, तो फाइव रख देंगे तो बच्चों क्या बचेगा यहां पे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन कितना बच्चों फाइव इक्वल टू बी, और बी के फाइव के साथ कभी भी यूनियन करते हैं तो आंसर वही आएगा बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी, तो मतलब बी के सभी एलिमेंट मैच कर रहे हैं किसमें बच्चों, बी इंटरसेक्शन ए में, तो बी इंटरसेक्शन मतलब कि जो B है वो सबसेट है किसका, मतलब A का बच्चों, ठीक है, समझ आया बच्चों, समझ आया सब लोगों को, सभी लोगों को समझ आया, B A का, A जो है वो B का है और यहां पे मैंने प्रूव किया B जो है A का, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से बच्चों, वी कैन से दैट A इज इक्वल टू Because A is a subset of B and B is a A, तो that means A जो है B की क्या होगा बच्चों, equal होगा। तो समझ आया बच्चों सब लोगों को, देखते हैं बच्चों next theorem, for any two sets A and B, A union B is equal to A minus B union B। ये मुझको प्रूव करना है A union B is equal to A minus B union B। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग एक एलिमेंट मान लेंगे, let X be an arbitrary, आर्बिट्रेरी मैंने बच्चों पहले बता दिया है आपको कि आर्बिट्रेरी क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था बच्चों आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो जाके वो देख लें कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ ए यूनियन बी का बच्चों, दैट मीन्स मैंने माना है कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में क्या कर रहा है बच्चों, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा एक्स या तो ए में होगा और एक्स बी में होगा बच्चों, मैंने बताया ना बच्चों यूनियन में जब कोई चीज होती है तो एक्स या तो ए में होगा या तो एक्स किसमें होगा बच्चों, बी में होगा। तो बच्चों यहां पे देखिए मुझे लाना क्या है, ए माइनस बी लाना बच्चों, तो इसके बाद हम सोचिए कि ए माइनस बी कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, एक्स मान लीजिए ए में है एंड एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, एक मैंने ये माना कि x a में बिलोंग कर रहा है और x जो है b में बिलोंग, और या फिर x जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा है एंड x जो है b में बिलोंग कर रहा है, समझ आया बच्चों सब लोग को, ये मैंने कंडीशनल कुछ लिख दी बच्चों कि भाई x है तो a में होगा या तो फिर b में होगा, तो मैंने माना भाई x a में है और x जो है b में नहीं है, या फिर x a में नहीं है x में b में, या फिर एक कंडीशन और हो सकती है, या x a के पास भी होगा एंड x जो होगा वो b के पास भी हो सकता है, दोनों के पास भी हो सकता है, मतलब x पहले माना देखिए यूनियन में बिलोंग कर रहा है, कोई चीज अगर यूनियन में बिलोंग करती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो a में हो सकती है b में हो सकती है या दोनों के पास भी हो सकती है, तो वही मैंने तीन कंडीशन यहाँ पे लिख दी है, x a में हो सकता है तो x मान लिया b में नहीं है, या x a में नहीं है तो x b में है, या फिर दोनों के पास ही है। अच्छा बताइए अब यहां पर अगर x मान लीजिए a के पास है और b के पास नहीं है तो x तो बिलोंग करेगा ना बच्चों किसमें, a माइनस बी में करेगा बच्चों, बताइए कंफर्म बिलोंग करेगा कि x a के पास है इसके पास नहीं है तो a माइनस बी करेंगे तो आएगा बच्चों, या फिर ध्यान दे बच्चों x ए में नहीं है और किसमें बच्चों, तो बच्चों एक्स फिर नहीं बिलोंग करेगा, एक्स नहीं बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, ए माइनस बी में बच्चों, हम ए माइनस बी पे ही बच्चों जोर दे रहे हैं कि ए माइनस बी मुझको लाना है बच्चों, फिर इसमें देखिए और एक्स नहीं बिलोंग करेगा बच्चों ए माइनस बी में, यहां पे भी मतलब एक्स यहां बिलोंग करेगा बाकी दो जगह बच्चों बिलोंग नहीं करेगा, यहां भी नहीं करेगा और यहां भी नहीं बिलोंग करेगा, तो मतलब किसी एक केस में बच्चों इस वाले केस में बच्चों एक्स बिलोंग कर रहा है बाकी दोनों केस में एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, बट ये दोनों केस ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों केस में एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा था ए माइनस बी में और
एक्स बिलोंग कर रहा था बच्चों किसमें, बी में। सुनाया बच्चों लोगों को, या तो एक्स यहां बिलोंग करेगा या तो फिर एक्स बी में बिलोंग करेगा, दोनों ही केस में एक्स बी में बिलोंग कर रहा था बच्चों। तो एक्स या तो यहां बिलोंग करेगा या तो एक्स फिर बी में जरूर बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा बच्चों कहां पर, एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी यूनियन बी में बच्चों। समझाया सब बच्चों को, बोलो बहुत ही सिंपल थ्योरम है और अच्छी थ्योरम है। ये लाइन ध्यान से लिखना सब बच्चों, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये चीज, ये तीन कंडीशनों में फॉलो किया मैंने कि यहां बताया एक्स बिलोंग कर रहा है और इन दोनों में एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन दोनों ही केस में एक्स, क्योंकि यहां पे बच्चों बी लाना है हम लोग को, तो एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो और एक्स बिलोंग करेगा बी, मतलब दोनों ही केस में एक्स जो है बी में बिलोंग करेगा, और आ गया तो ए एक्स जो है ए माइनस बी यूनियन बी में जरूर बिलोंग करेगा। देयरफोर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बच्चों ए माइनस बी यूनियन बी। ओके बच्चों, समझाया था बच्चों को। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, एंड नेक्स्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, मुझको प्रूव करना है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे इस थ्योरम को बच्चों कैसे प्रूव करेंगे। बच्चों इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, इसको सिंपली प्रूव करेंगे, यहाँ कोई आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग नहीं मानेंगे बच्चों। देखिए मालूम है कि सिंपल बच्चों छोटा सा एलिमेंट लाना है हम लोग को, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, बच्चों इसमें हम लोग को सिर्फ ए प्रूव करना है, तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। मींस एलएचएस लिया है बच्चों मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो ध्यान देना बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों क्या ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान से, ए माइनस बी मतलब ये चीज, मतलब ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को माइनस, जो ए के पास है बी के पास नहीं है। तो इसके दूसरे लैंग्वेज में जो क्या होती है, इसको क्या इस प्रकार से भी तो ले सकते हैं कि भाई मान लीजिए ये यू के अंदर है, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश भी तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिए बी डैश का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बी है बच्चों, ये क्या है बच्चों पूरा बी है, तो बी डैश का मतलब इसके काट दीजिए, मतलब इतना हटा दीजिए बच्चों, तो क्या बचा, ये सब बचा बच्चों, ये सब बचा बच्चों, ये सब, ये भी सब बचा, ये सब बचा पूरा बच्चों। अब ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इतना ही हिस्सा तो बच्चों ये तो चला गया ना, इतना इतना बच्चों चला गया, इतना हिस्सा चला गया, तो ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश तो ले सकता हूं बच्चों, क्योंकि ये हिस्सा चला गया, यही तो हिस्सा मैच कर रहा है बच्चों इतना। समझाया सब बच्चों को, तो लिख देंगे बच्चों यहां पर कि क्या भाई ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों ए माइनस बी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, देखिए ए और ए यहां पे मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको, इंटरसेक्शन भी मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन, आओ बच्चों बोलिए बी, अब बच्चों ध्यान देना बी और यहां पर क्या लगा है यूनियन और यहां पे क्या लगा है बी डैश, ध्यान दीजिए फिर से ए इंटरसेक्शन और फिर ये बी यूनियन बच्चों क्या जाएगा बी डैश बच्चों, किस प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव ला बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों। बच्चों ये बताइए बी यूनियन बी डैश कितना होता है, मैं बताऊं बी मतलब ये, बी डैश मतलब ये बाहरी सरफेस, मतलब बी यूनियन बी डैश की मैं बात करूं तो यू होता है बच्चों, मतलब किसी का ए है और किसी का डैश है और यूनियन करें तो बच्चों क्या जाएगा बच्चों, वो यूनियन बन जाएगा बच्चों, ये यू है बच्चों, यूनियन मतलब यू है बच्चों यहाँ पे, ठीक है यूनियन है बच्चों यहाँ पे, और ए का इंटरसेक्शन करें बच्चों यूनियन के साथ, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ए तो ही आएगा बच्चों। ओके बच्चों ए का इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों यू के साथ, क्या आएगा बच्चों, ए ही आएगा। अब बच्चों ये थ्योरम आप लोग को लगानी है, मैं आप लोग को लगाने के लिए दे रहा हूँ बच्चों, ये थ्योरम जरूर लगाइए बच्चों, अगर नहीं आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा, पहले आप इसको लगाने का प्रयास करिए। इसको एलएचएस लेंगे बच्चों, जैसे मैंने बी ए माइनस बी को लिखा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, उसी प्रकार से आप बी माइनस ए को लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, और फिर बच्चों ओपन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और सिंपली प्रूव कर देंगे बच्चों, ठीक है, इसको लगाने का ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा।